आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत याचिका पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। सीबीआई ने पी चिदम्बरम की जमानत अर्जी का विरोध किया। सीबीआई ने कहा इस मामले की जांच अभी चल रही है। चिदम्बरम बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने निजी लाभ के लिए देश के उच्च पद का इस्तेमाल किया। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में माना है कि पी चिदम्बरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में उनकी जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए। वहीं चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा चिदम्बरम पासपोर्ट सरेंडर कर चुके हैं, लुकआउट नोटिस भी जारी है, सबूतों से अब कोई छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि मेरे मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहे हैं। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनको सीबीआई ने एक बार और ईडी ने तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया और चिदम्बरम उनके पास गए और पूरे सवालों के जवाब दिए। ये सारे बिंदु हमारे दावे के फेवर और सपोर्ट में हैं। सिब्बल ने कहा कि सीबीआई का ये कहना है कि इस स्टेज में हम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई के इस दावे में भी कोई दम नहीं है। सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एफआईआर दर्ज होने के बाद से किसी कथित सबूत या फिर गवाह से संपर्क तक नहीं किया। किसी भी साथी आरोपी को गवाह नहीं माना जाता। सिब्बल ने कहा कि सीबीआई ने सील कवर रिपोर्ट कोर्ट को दे दी और दावा कर दिया कि हम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई को ये हलफनामे में बताना चाहिए। चिदम्बरम की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलीलें रखी। चिदम्बरम की तरफ से बहस पूरी हो गई है। अब बुधवार को सीबीआई अपना पक्ष रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।